कभी सोचिए कि जिस विभाग में आपके पिता किसी छोटे पद पर तैनात रहे हों, उसी विभाग के ऑफिस में आपको सबसे बड़ा ओहदा मिल जाए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर कहे जाने वाले सिग्नेचर बिल्डिंग में बुधवार को रिकॉर्ड हुई। तो यहाँ से कुछ घंटों की दूरी पर स्थित जिले जालौन में ये कहानी सबके मन में कौंध गई। ये दो तस्वीरें उस इलाके की हैं जिस इलाके से निकला एक लड़का उत्तर प्रदेश की पुलिस डीजीपी तक की पोस्ट पर पहुंचा है। कहानी उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी विजय कुमार की है, जो इस बार अपने पिता के पुलिस विभाग में डीजीपी बने हैं। अब कहानी विस्तार से सुनिए। जालौन जिले के सतोह गांव के रहने वाले आईपीएस विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस हैं। उनके पिता राम प्रसाद खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में कभी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रह चुके हैं। वो कानपुर में पोस्टेड थे और अब उनका बेटा राजधानी लखनऊ में प्रदेश के पुलिस महकमे का सबसे बड़ा अफसर बना है। आईपीएस विजय कुमार की प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव से हुई है। इसके बाद वो अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहने लगे और यहीं पर पढ़ाई की। गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव से पहली बार कोई आईपीएस बना है और किसी को इतने बड़े पद पर आसीन किया गया है। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे परिवार के हैं, मेरा गांव को नाम रोशन हुआ है, रहे हैं यहाँ तो देखा है हमने। विजय कुमार चार भाई हैं। पहले नंबर पर अजीत सिंह हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तैनात हैं। दूसरे नंबर पर विजय कुमार खुद एक आईपीएस अधिकारी हैं। उनके तीसरे नंबर के भाई इंस्पेक्टर पद पर सेवाएं दे रहे हैं और चौथा भाई झांसी में रहता है। कभी बांदा जनपद में पोस्ट रहे विजय कुमार को सीएम योगी के सबसे खास अफसरों के रूप में जाना जाता है। फिलहाल उनके पास डीजीसीबी सीआईडी का भी चार्ज है और अब उन्हें उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में स्थान मिला है। विजय कुमार के गांव के लोगों ने यह ऐलान किया है कि अपने गांव के बेटे की उपलब्धि पर गांव के बाहर उसके नाम पर एक गेट बनाया जाएगा। विजय कुमार जी को काफ़ी सतो से लगाव है और आते जाते रहते हैं। विजय कुमार जी स्टूडेंट लाइफ से ही बहुत तेज तर्राक स्टूडेंट थे। तभी आईपीएस में आए, सीबीसीआईडी, होमगार्ड, तमाम विभागों में रहे। आज वो डीजीपी पद पर हुए। हम लोगों को काफ़ी प्रसन्नता और खुशी है और कल बृहद कार्यक्रम होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे गांव का एक होनहार बालक पुलिस महानिदेशक के पद पर है, इसलिए हम लोगों को अपार खुशी है। और गांव में, गांव के बाहर मेन रोड की तरफ उनके नाम से विजय द्वार भी बनाया जाएगा। गांव के प्रधान हरि किशोर पटेल ने इस संबंध में ऐलान किया है। घर के लोगों ने अपने बेटे की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। सबका कहना है कि एक छोटे से गांव से निकला एक मामूली शक्लो सूरत का लड़का इस बार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालेगा, ये उनके लिए गौरव का विषय है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।